हाँ, चैप्टर है मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है। और आज हम करेंगे ट्रुथ टेबल, ठीक है। ये ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, ओके, ठीक है। देखो, ट्रुथ टेबल हम यूज करते हैं कि आपने कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे उसकी नेगेशन लिखनी है, तो उसको विद द हेल्प ऑफ हम ट्रुथ टेबल लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो उसके लिए ट्रुथ टेबल में हम सबसे पहले करेंगे कि ट्रुथ टेबल एंड के लिए, ठीक है, और के लिए करेंगे, इफ देन के लिए करेंगे, बाय कंडीशनल के लिए करेंगे, ठीक है। आज वो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि एंड के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा। देखो, एंड इसका सिंबल होता है आपके पास उल्टा वी, ठीक है। एंड के लिए आपके पास सिंबल क्या है, उल्टा वी। अब इसलिए हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, देखो। पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। पी और क्यू टू स्टेटमेंट्स आ गए, ठीक है। तो पी एंड क्यू के लिए ट्रुथ टेबल बनाना है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, पी और क्यू की वैल्यू फिक्स होती है, वो हमेशा सेम ही रहती है, ठीक है। पी और क्यू हो जाता है, पी ट्रू ये भी ट्रू, ये ट्रू हो ये फॉल्स हो, ये फॉल्स हो ये ट्रू हो सकता है कि दोनों ही फॉल्स हो, ठीक है। तो ये फोर वैल्यूज बनती हैं पी और क्यू की, ये हमेशा सेम ही रहेंगी, ठीक है, बस ये वैल्यूज चेंज होगी। देखो, पी एंड क्यू में मैंने आपको पहले भी प्रीवियस में बताया था, ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू कब होगी। देखो, कोई भी स्टेटमेंट एंड के केस में ट्रू तभी होगी जब दोनों चीजें आपके पास ट्रू हैं, ठीक है। अगर दोनों चीजें आपके पास ट्रू हैं तभी ट्रू होगी, अदरवाइज वो क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स, एंड फॉल्स फॉल्स, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इन केस ऑफ एंड, व्हेन पी एंड क्यू बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, देन पी एंड क्यू इज आल्सो ट्रू, अदरवाइज द स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ट्रुथ टेबल और के लिए। और के लिए जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, वी से रिप्रेजेंट करते हैं नोटेशन, ठीक है। तो यहां पर इसके ट्रुथ टेबल आ जाओ, देखो यहां पर भी पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो पी और क्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, यहां पर ये वैल्यू सेम ही रहेंगे, ट्रू 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 फॉल्स, ठीक है, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ये फोर वैल्यूज ये हमेशा सेम ही रहती हैं, ठीक है। तो देखो, और के केस में था हमारे पास, मैंने आपको भी उस टाइम भी बताया था पहले, कि अगर दोनों में से एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो वो क्या आएगी, ट्रू आएगी, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो फॉल्स आएगी, अदरवाइज वो क्या आएगी, ट्रू। दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो वो ट्रू होगा, ठीक है। अगर एक भी स्टेटमेंट ट्रू है तो भी ट्रू होगा, यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू, यहाँ पर दोनों फॉल्स है तो ये क्या आएगा, फॉल्स आएगी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना ट्रुथ टेबल बनाने के लिए आता आपको एग्जाम में, ठीक है। तो कई बार पूछ लेते हैं पी एंड क्यू के लिए ट्रुथ टेबल बना, टू मार्क्स का, कई बार इसके लिए भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अभी आगे और करेंगे, ट्रुथ टेबल किसी के लिए भी आ सकता है, ठीक है। लग गया पता, एंड के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे और के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे, ठीक है, ओके। अब आपको मैं एक चीज और बताता हूं, अगर आपसे पूछते हैं कि आपने ट्रुथ टेबल बनाना है इसके लिए, ठीक है, अब ये किसका साइन होता है, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये किसका साइन होता है, नॉट का साइन, ठीक है। कई बार ये लेते हैं और कई बुक्स में ये साइन लिया होता है आपके पास, ठीक है, ये साइन भी लिया होता है। तो ये जो साइन है ये भी नॉट के लिए यूज करते हैं, तो ध्यान रखना कोई भी साइन आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपने ट्रुथ टेबल बनाना है तो कैसे बनाओगे, यहीं बना लेते हैं साथ में, ठीक है। ट्रुथ टेबल नॉट पी एंड क्यू, ये ब्रैकेट में है ऐसे, यानी कि आपसे ये पूछा है कि नॉट पी एंड क्यू, इसके लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे। नॉट का मतलब क्या होता है, ठीक है, कि आपके पास जो भी आ रहा है उसको उल्टा कर दोगे। तो देखो, उल्टा मतलब अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। तो यहां पर नॉट के साथ ट्रू है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, फॉल्स है तो ये ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। वैसे ही इस केस में अगर आपसे पूछा है नॉट पी
पी और क्यू पूछा है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, नॉट पी और क्यू, ध्यान रखना ब्रैकेट लगी है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स एंड फॉल्स का ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ये चीज आ गई समझ में, ठीक है ओके। आपको देखो साथ में बताता भी जा रहा हूं कि क्या क्या ट्रूथ टेबल आ सकते हैं। और ठीक है, अब जैसे कि आपको मान लो पूछ लेते हैं कि आपने ट्रूथ टेबल बनाना है नॉट पी एंड क्यू का, नॉट पी के साथ लगा, क्यू के साथ नहीं लगा, ब्रैकेट नहीं लगी है, तो इसके लिए हम ट्रूथ टेबल कैसे बनाएंगे। देखो इसे मैं रफ कर देता हूं, ठीक है, ये वैल्यूज रफ कर दी मैंने, ठीक है। तो क्या पूछा, नॉट पी एंड क्यू, ठीक है, अब नॉट पी एंड क्यू का निकालना है। ध्यान रखो क्यू तो हमारे पास है, हमें नॉट पी चाहिए, नॉट पी निकालना पड़ेगा। तो यहां देखो ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू। अब हमें क्या निकालना है, ठीक है, क्यू, तो क्यू को फिर से लिख लो, अगर आपने लिखना है तो लिख लो, वैसे जरूरत नहीं है। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये क्यू को मैंने फिर से लिख लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहां पर नॉट पी एंड क्यू, नॉट पी एंड क्यू, नॉट पी एंड लगा है, एंड का मतलब है अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो देखो फॉल्स ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स ही रहेगा, ट्रू ट्रू ये ट्रू हो जाएगा एंड ट्रू फॉल्स ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बनाओगे, वैसे ही यहां पर अगर एंड पी और क्यू पूछा है तो पहले एंड पी निकालो फिर क्यू के साथ निकालो, तो ध्यान रखना और के लिए टेबल यूज होगा, ठीक है। आपके पास ऐसे भी पूछ सकते हैं पी और नॉट क्यू, या पी एंड नॉट क्यू, ठीक है। तो लग गया किस तरह से बनाना है हमने यहाँ पर ट्रुथ टेबल इसके लिए, ठीक है ओके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्लीकेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशन के लिए हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो इम्प्लीकेशन के ट्रुथ टेबल बनाना है उसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, ठीक है, वहां से जल्दी समझ में आएगा, इसे मैं रख देता हूं। देखो इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, ठीक है, इम्प्लीकेशन क्या है, आपके पास इफ पी देन क्यू, इसके लिए हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, इफ पी देन क्यू, इसकी नोटेशन होती है आपके पास पी एरो क्यू, ठीक है, इसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, इफ पी देन क्यू को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। आ जाओ इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं, ठीक है। पी क्यू एंड इफ पी देन क्यू, ठीक है, तो क्या जाएगा, ये ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये तो हमेशा सेम ही रहेंगे, पी एंड क्यू की वैल्यू फिक्स ही है, ठीक है। अब देखो पी इफ पी देन क्यू, ठीक है, यहां पर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं जहां से हम इजिली अंडरस्टैंड कर लेंगे, ठीक है। बोलते हैं इफ यू ड्राइव एट मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर देन यू गेट अ फाइन, ठीक है। बोलते हैं अगर आप 100 किलोमीटर से ज्यादा स्पीड पर चला रहे हो, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चला रहे हो, तो आपको क्या होगा, फाइन होगा। अब इसको मैं दो स्टेटमेंट में ब्रेक कर रहा हूं यहां पर पी एंड क्यू में, ठीक है, यू ड्राइव एट मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर, टू कंपोनेंट से मैं ब्रेक कर रहा हूं, ये क्यू आ गया, ठीक है, यू गेट अ फाइन, ठीक है। तो ये दो स्टेटमेंट में ब्रेक हो गया, ठीक है। अब देखो पी एंड क्यू, ठीक है, अब देखो अगर आप 100 किलोमीटर पर आके स्पीड से ज्यादा चलाओगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, ओके, ठीक
ठीक है, देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा चला रहे हो, ठीक है, अगर मान लो वो ट्रू है आप ज्यादा ही चला रहे हो, ठीक है, तो आपको फाइन देना पड़ेगा, ये भी ट्रू है, तो दोनों क्या जाएंगे, ट्रू ट्रू इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है सेकंड फॉल्स, यू अगर आप 100 किलोमीटर पर आ किसी पे से ज्यादा चलाओगे तो आपको फॉल्स मतलब आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कभी हो सकता है? अगर यार आप 100 किलोमीटर पर आके स्पीड से ज्यादा चला रहे हो तो आपको तो वहां फाइन पड़ेगा ही पड़ेगा, तो आपको फाइन देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो बोल रहे हैं कि फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू, अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा चला रहे हो, सेकंड फॉल्स मतलब इसकी फॉल्स स्टेटमेंट क्या होगी कि आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा, ऐसा तो कभी हो ही सकता, फाइन तो देना ही पड़ेगा, इसलिए ट्रू फॉल्स क्या हो जाएगा, फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है फॉल्स टू, अगर आप 100 किलोमीटर पर आके स्पीड से ज्यादा नहीं चला रहे हो, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स का मतलब है कि आप 100 किलोमीटर पर आके स्पीड से ज्यादा नहीं चला रहे हो तो आपको फाइन देना पड़ रहा है, तो फॉल्स ट्रू क्या आएगा यहाँ पर, ये भी ट्रू आएगा। आप देखो कैसे, ठीक है, अगर आप 100 किलोमीटर की स्पीड से ज्यादा नहीं चला रहे हो, ठीक है, तो आपको फाइन देना पड़ेगा, हो सकता है कि आपको फाइन किसी और चीज का पड़ा, ठीक है, ये भी हो सकता है ना कि कोई और अदर रीजन हो सकता है कि आपने रेड सिग्नल तोड़ दिया हो, ठीक है, और अदर भी कई चीजें हो सकती हैं, ठीक है, आपका हो सकता है कि पोल्यूशन सर्टिफिकेट ना बना हो गाड़ी का, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, ट्रू, ठीक है, कि आप जरूरी नहीं कि आपको स्पीड की वजह से फाइन पड़ेगा, हो सकता है किसी और की वजह से भी फाइन पड़ जाए, ठीक है। नेक्स्ट फॉल्स, फॉल्स अगर आप 100 किलोमीटर पर आके स्पीड से ज्यादा नहीं चला रहे हो तो आपको फाइन नहीं पड़ेगा, ठीक है, हो सकता है नहीं पड़ेगा, तो ये भी क्या होगा, ट्रू, ठीक है, ओके, ये चीज समझ में आई, तो इसमें ध्यान रखना अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है सेकंड फॉल्स है, ठीक है, तो हमारे पास फॉल्स क्या है, फर्स्ट फॉल्स है, अगर ये ध्यान रखना अगर फर्स्ट फॉल्स है सेकंड ट्रू है तो फर्स्ट स्टेटमेंट का कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, वो सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आता है, तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल समझा दिया है, एक बार फिर सुन लो, ठीक है, ट्रू ट्रू, अगर आप 100 किलोमीटर पर आके स्पीड से ज्यादा चलाओगे आपको फाइन पड़ेगा, हाँ ट्रू है, पड़ेगा पड़ेगा। ट्रू फॉल्स यानी कि अगर आप 100 किलोमीटर पर आके स्पीड से ज्यादा चला रहे हो तो आपको फाइन नहीं पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता, फाइन तो पड़ना ही, अगर 100 किलोमीटर से ज्यादा चला रहे हो, 100 किलोमीटर पर आके स्पीड से ज्यादा चला रहे हो, तो ये फॉल्स, फॉल्स ट्रू, यू ड्राइव, ठीक है, अगर आप 100 किलोमीटर पर आके स्पीड से ज्यादा नहीं चला रहे हो, इसके लिए कर रहा हूं मैं फॉल्स ट्रू के लिए, इसकी फॉल्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, अगर आप 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ज्यादा नहीं चला रहे हो तो आपको फाइन देना पड़ेगा, हो सकता है किसी अदर रीजन से देना पड़े, इसलिए ट्रू है। फॉल्स, फॉल्स का मतलब है अगर आप 100 किलोमीटर पर आर की स्पीड से ज्यादा नहीं चला रहे हो तो आप फाइन नहीं दोगे, तो ये स्टेटमेंट क्या आ जाएगी, ट्रू, तो ये चीज समझ में आ गई, इंप्लीकेशन इफ पी देन क्यू के लिए हम कैसे ट्रूथ टेबल बनाओगे, ठीक है, तो ये आपके पास स्टेटमेंट के क्वेश्चंस में भी यूज होते हैं, लग गया पता, ओके। अब देखो आपके पास आ सकता है कि चलो आपसे पूछते हैं नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ठीक है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या है, ठीक है, तो देखो ये जो फर्स्ट, ये जो आपके पास यहां पर फर्स्ट ये है पी, ये आपके पास सफिशिएंट कंडीशन होती है, ठीक है, और जो सेकंड होती है वो नेसेसरी होती है, देखो कैसे, यू ड्राइव एट मोर देन 100 किलोमीटर पर आवर, इतनी कंडीशन काफी है कि आपको फाइन पड़ेगा पड़ेगा, तो देखो अगर आप 100 किलोमीटर से पर आवर की स्पीड से ज्यादा चला रहे हो तो इतनी कंडीशन काफी है जिसके लिए आपको फाइन देना ही पड़ेगा, यानी कि नेसेसरी है, अगर आप 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा चलाओगे तो आपको फाइन देना ही पड़ेगा, तो ये सफिशिएंट कंडीशन है और ये नेसेसरी है, ठीक है, नेसेसरी के देना ही पड़ेगा, सफिशिएंट है कि इतनी इतना काफी है आपको फाइन भरने के लिए, ये रूल तोड़ दी, अगर आपने ये रूल ब्रेक कर दिया, ठीक है, तो इतना काफी है कि आपको फाइन देना ही पड़ेगा, तो फर्स्ट क्या होती है आपके पास सफिशिएंट कंडीशन एंड सेकंड इज योर नेसेसरी कंडीशन, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास बाई कंडीशनल, ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल का मतलब क्या है आपके पास, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ के लिए हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, ठीक है,
देख लो, बाय कंडीशनल ठीक है, तो बाय कंडीशनल में क्या है, ये किस फॉर्म में होता है, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, अगर पी एंड क्यू आपके पास दो स्टेटमेंट हैं तो इस टाइप का होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डबल साइडेड एरो से करते हैं, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है ठीक है। तो इसे ध्यान रखना हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर लेते हैं, पी एरो क्यू एंड क्यू एरो पी इफ देन में, ऐसे करके ठीक है। क्योंकि देखो पी इफ एंड ओनली इफ ये तभी होगा जब पहला होगा तो दूसरा होगा, दूसरा होगा तो पहला होगा, ऐसे ही लिखते हैं। तो यही तो है, इफ देन एंड इफ देन, पी है तो क्यू है ये मतलब आ गया, एंड क्यू है तो पी है, दोनों को कंबाइन करो तो यही बन रहा है इफ एंड ओनली ठीक है। यानी कि इसे हम क्या लिख सकते हैं, पी टू क्यू एंड, एंड का मतलब क्या है यहां पर, एंड के लिए सिंबल क्या जाएगा, उल्टा वी क्यू टू पी, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ठीक है। और ठीक है ये इसके इक्विवेलेंट होगा, और किसके इक्विवेलेंट होगा ये, जैसे हम ये भी लिख सकते हैं, नोट पी और क्यू ठीक है, एंड नोट क्यू और पी, इसे हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो हमें ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसके लिए, पी ये आ गया क्यू, क्या आएगा, ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स ठीक है। ये वैल्यू से फिक्स ही है आपके पास, ये तो सेम ही रहती है ठीक है। आ जाओ इसके लिए बनाते हैं, सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा पी एरो क्यू, फिर बनाना पड़ेगा क्यू एरो पी, उसके बाद आएगा आपके पास बाय कंडीशन पी टू क्यू ठीक है। और ओके आगे भी मैं आपको बताऊंगा, पहले ये देख लो, देखो पी एरो क्यू अभी हमने किया था, पी टू क्यू ट्रू ट्रू है तो ट्रू आएगा ठीक है। जब भी आपने करना थोड़ा एग्जाम्पल ध्यान में रखना ठीक है, कि क्या एग्जाम्पल था उससे आपको इजी रहेगा। ट्रू फॉल्स, फर्स्ट ट्रू है सेकंड फॉल्स है ठीक है, ये फॉल्स ही आएगा, और ये फॉल्स ट्रू फर्स्ट कंडीशन तो सेकंड में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ट्रू आएगा, एंड फॉल्स फॉल्स ये ट्रू आएगा, तो इसमें क्या आ जाएगा, क्यू एरो पी यानी कि ट्रू 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 आएगा, फॉल्स ट्रू ट्रू आएगा। देखो क्यू टू पी है ना कि पी टू क्यू, तो ऐसे मत देखना, क्यू टू पी के लिए आपने ऐसे देखना है, एंड ट्रू फॉल्स क्या जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, एंड फॉल्स फॉल्स क्या जाएगा, ट्रू। ध्यान रखना पी टू क्यू ऐसे देखो ठीक है, तो ट्रू फॉल्स है, पी टू क्यू ट्रू फॉल्स, अगर क्यू टू पी देखना तो फॉल्स ट्रू बन जाएगा, तो ये चीज ध्यान रखना ठीक है। अब देखो पी ठीक है, बाय कंडीशन में ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, इसके लिए क्या वैल्यू आएगी ये देखो, तो ये किसके इक्वल है, इसे मैं क्या लिख सकता हूं, पी एरो क्यू ठीक है एंड क्यू एरो पी, यानी कि इन दोनों के बीच में एंड, एंड का मतलब है अगर दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, तो ट्रू 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 आएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स आएगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू क्या आएगा मेरे पास, यहां पर ट्रू आएगा, ये चीज आ गई समझ में ठीक है। तो ये इसके ट्रूथ टेबल बन गया, लग गया पता बाय कंडीशन के लिए। अब मुझे करना है कि ये, यानी कि जो ये वैल्यू निकाली है मैंने ठीक है, और ये वैल्यूज इक्वल है ये, तो देखो इसके लिए भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं, पहले नोट पी निकालना पड़ेगा ठीक है, नोट क्यू निकालना पड़ेगा उसके लिए ठीक है, ये वैल्यूज निकालने पड़ेंगी ठीक है, उसके बाद मेरे पास नोट पी और क्यू निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद मुझे नोट क्यू और पी निकालना पड़ेगा ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास निकलेगा नोट पी और क्यू एंड
नॉट क्यू और पी। ठीक है, देखो ये मैं आपको बता रहा हूं कि ये वैल्यूज इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, इक्वल लिखी ना, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो आ जाओ नॉट पी, नॉट पी निकालना है तो फॉल्स आ जाएगा, ये फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। नॉट क्यू, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स और ये ट्रू आ जाएगा। नॉट पी और क्यू, नॉट पी और क्यू, नॉट पी ये और क्यू, दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स ट्रू, ठीक है तो ट्रू आएगा, फॉल्स फॉल्स तो फॉल्स आएगा, ट्रू ट्रू तो ट्रू आएगा, एंड ट्रू फॉल्स तो ट्रू आएगा। नॉट क्यू और पी, नॉट क्यू और पी, ठीक है एक भी ट्रू है तो ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, ठीक है ट्रू 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 आएगा, एंड फॉल्स 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 आएगा, एंड ट्रू फॉल्स क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब आपको इन दोनों के बीच में एंड निकालना है, दोनों ट्रू आएंगे तभी ट्रू आएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, ट्रू, ये क्या आ जाएगा, फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ये फॉल्स आ जाएगा, ट्रू ट्रू क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। अब देखो ये चीज, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, ये दोनों सेम आ रही हैं, तो ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है, ये मैंने प्रूव भी कर दिया। ठीक है, देखो ये हमें क्यों जरूरत पड़ती है, ठीक है ये ध्यान रखना क्यों जरूरत पड़ती है, कई बार आपको लिखने पड़ती हैं यहाँ पर बाय कंडीशन स्टेटमेंट लिखने पड़ती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये किसके इक्विवेलेंट है उसका भी यूज होता है, लेकिन आपको मेन है कि ट्रुथ टेबल ही आता है। ठीक है, एग्जाम में तो देखो ट्रुथ टेबल, ये नहीं कि ये सोचो लेंथ ही है, लेंथ ही कोई नहीं है, सिंपल पी क्यू है तो ये नॉट पी नॉट क्यू का है, उल्टा करना है। ठीक है, ये पी एरो क्यू है, ये क्यू एरो पी का है, ये बाई कंडीशनल का है। ठीक है, तो आप ये निकालो चाहे ये निकालो, वैल्यू सेम ही आएंगे। लग गया पता कि हम बाई कंडीशनल के लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनाओगे, बाई कंडीशनल मतलब आपका ट्रुथ टेबल यहां तक है, यहां तक है ट्रुथ टेबल, ये तो मैंने दूसरा प्रूफ करने के लिए, इसको प्रूफ करने के लिए मैंने आपको बताया है, अदरवाइज आपको बाय कंडीशन का ट्रुथ टेबल आता है बनाने के लिए, तो आप यहां तक ही बनाओगे, इससे आगे नहीं जाओगे, तो ये तो आपके पास फिक्स है, ओनली ये वैल्यूज ही आपको लिखने पड़ेंगे। आ गया समझ में कि बाय कंडीशन का हम कैसे टेबल बनाएंगे। ठीक है, आ जाओ आगे, कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी वो हम कर लेते हैं। ठीक है, देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, फर्स्ट है एंड इम्पोर्टेंट लॉ। ठीक है, अब ये क्या है, देखो जैसे हमने पहले किए हैं, ठीक है वैसे ही एंड इम्पोर्टेंट लॉ क्या होता है कि पी और पी जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगा, वो पी के होगा। अगर हम पी एंड पी सेम का ही निकालते हैं तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, पी के इक्विवेलेंट होगा, ये एंड इम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, देखो जैसे ये पी है, ये क्यू आ गया, तो इसके लिए ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो देखो क्या आ जाएगा, पी और क्यू दोनों में से एक भी ट्रू है तो ट्रू आता है। ठीक है, ऐसे आता है तो ट्रू, ये क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक है, ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास, ये फॉल्स आ जाएगा, पी और क्यू, हमने पी और पी के लिए बनाना है ना कि पी और क्यू के लिए बनाना है। ठीक है, पी हमने किसके लिए बनाना है, पी और पी के लिए, ये भी पी ये भी पी। ठीक है, तो ये ट्रू ये ट्रू ये ट्रू, ठीक है ऐसे बनेगा आपके पास, या तो ट्रू होगा फर्स्ट ट्रू होगा ये भी ट्रू होगा, या तो मेरे पास ये फॉल्स होगा पी और ये भी क्या होगा, फॉल्स होगा, ऐसे ही बनेगा मेरे पास। ठीक है, देखो पी और पी क्या आएगा मेरे पास, ठीक है ट्रू तो दोनों ट्रू, दोनों फॉल्स तो फॉल्स, तो ये एक्चुअली देखो तो ये चीजें सेम बन रही हैं पी पी। ठीक है, तो पी और पी क्या आएगा, पी आएगा। अगर आप पी एंड पी निकालोगे तो क्या आएगा, दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, अगर फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स, ये अगेन मेरे पास पी बन रहा है पी। ठीक है, तो ये एड इम्पोर्टेंट लॉ है आपके पास। नेक्स्ट आपके पास, आगे मैं नहीं करूंगा आप करते ना,
आपको जस्ट यही बताऊंगा, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि पी और क्यू है तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा? क्यू और पी के इक्वल होगा। ठीक है, चाहे आप पी और क्यू निकालो चाहे क्यू और पी निकालो, एक ही बात है। वैसे ही अगर आप पी एंड क्यू निकालो, चाहे आप क्यू एंड पी निकालो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट आपके पास एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, देखो एसोसिएटिव लॉ क्या है। पी और क्यू और तीसरा ले आर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पी और ये और इन दोनों को कंबाइंड कर दो। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या तो आपके पास पी एंड क्यू एंड आर है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, पी बाहर एंड क्यू एंड आर, इसे कंबाइंड कर दो, तो ये आपके पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, मतलब आप ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है, ये लिखो चाहे ये लिखो एक ही बात है। ठीक है, आपको इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कई बार आप टेबल बनाओगे तो आप ये लिखो तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दोनों अलग है, ये दोनों सेम ही हैं, ये दोनों भी सेम ही हैं, तो ये लिखो चाहे ये लिखो। ठीक है, अगर ये लिख रहे हो तो चाहे इसकी जगह ये लिखो, एक ही बात है, दोनों में वैल्यू क्या आएंगी, सेम ही आएंगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, देखो पी और क्यू एंड आर, ठीक है, ये किसके इक्विवेलेंट होगा? ठीक है, और को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्या आ जाएगा, पी और क्यू एंड पी और आर। ठीक है, और अगर आपके पास है पी एंड क्यू और आर, तो यहां पर एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, P एंड Q और P एंड R। ठीक है, तो ये आपस में इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट आपके पास आइडेंटिटी लॉ। ठीक है, देखो आइडेंटिटी लॉ, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इसके लिए कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन जो आपके पास ट्रुथ टेबल बनेगा वो जो मैंने आपको वैल्यूज बता दी उनके लिए ही बनेगा। ठीक है, देखो आइडेंटिटी लॉ, अगर आप, ठीक है, P कोई स्टेटमेंट है उसका और निकाल रहे हो फॉल्स स्टेटमेंट के साथ, तो वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, पी के। ठीक है, अगर आप पी का, ठीक है, एंड फॉल्स स्टेटमेंट के साथ एंड निकाल रहे हो, तो वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, एफ के, फॉल्स के इक्विवेलेंट आएगा। अगर आप पी का ट्रू के साथ निकाल रहे हो, ठीक है, और तो वो ट्रू आएगा। ठीक है, और अगर P का आप एंड के साथ निकाल रहे हो तो वो क्या आएगा, P आएगा, P और ट्रू का एंड निकाल रहे हो। जैसे एग्जाम्पल कर लेते हैं, ये P आ गया, ये F आ गया। P का मतलब क्या है, या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, फॉल्स का मतलब क्या है, फॉल्स फॉल्स ही आएगा। तो यहाँ पर देखो P और F, P और F दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आएगा, फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो ये चीज क्या बन रही है, ये पी ही बन रहा है, तो यही तो लिखा मैंने। ठीक है, सिमिलरली बाकियों के लिए आप ट्राई करना। ठीक है, ओके, तो ये ध्यान रखना, इनके लिए ये चीजें बनती हैं। ठीक है, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, जब आप बनाओगे कि पी की और के पी की एफ के साथ और निकालना तो क्या आएगा। ठीक है, तो ट्रूथ टेबल का यूज करो, आपके पास इजिली बन जाएगा। बस ध्यान रखना और के केस में और एंड के केस में क्या होता है। ठीक है, ये चीज लगी पता। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या है, देखो कॉम्प्लीमेंट लॉ है, जैसे हमने सेट में किए हैं वैसे ही चल रहा है सेम। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ मैं आपको बता भी चुका था पहले। ठीक है, कि पी कॉम्प्लीमेंट लॉ, देखो वी को हम एज ए यूनियन ट्रीट करते हैं, ठीक है, और यूनियन और एंड को एज हम इंटरसेक्शन ट्रीट करते हैं, ऐसे ही लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना चीजों का। तो पी और कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट पी, ठीक है, पी का नॉट पी के साथ
और निकालोगे तो वो हमेशा क्या आएगा, ट्रू आएगा। और अगर पी का नॉट पी के साथ कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, पी का नॉट पी के साथ एंड निकालोगे एंड, ये क्या आएगा मेरे पास, फॉल्स आएगा। करके देख लो, ये पी आ गया, ये नॉट पी आ गया, ठीक है। तो ये ट्रू फॉल्स, नॉट पी क्यों का फॉल्स ट्रू। तो यहां पर आपको क्या निकालना है, पी और नॉट पी दोनों में से एक भी ट्रू होगा तो क्या आएगा मेरे पास, ट्रू। तो ट्रू ही तो बन रहा है, ये पूरा ट्रू है, ट्रू बन रहा है। नेक्स्ट, पी एंड नॉट पी, एंड का मतलब है दोनों ट्रू चाहिए। तो ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स, ये भी दोनों में से एक फॉल्स है तो ये भी फॉल्स। तो ये क्या बन रहा है, फॉल्स के लिए बन रहा है, तो ये फॉल्स ही लिखा हुआ है, ठीक है, लग गया पता, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इन्वोल्यूशन लॉ, ये क्या बोलता है, ठीक है, ये हम कर चुके हैं, नहीं किया तो देखो। अगर हमने नॉट पी दिया है, नॉट पी का नॉट निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, नॉट पी का अगर हमें नॉट निकालना है तो वो किसके इक्वलेंट आएगा, पी के इक्वलेंट आएगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई, अगर आपके पास ऑलरेडी नॉट पी दिया है उसका नॉट निकालना है तो वो पी के इक्वल आएगा, ठीक है, ओके। जैसे आपके पास पी क्या है, ट्रू दिया है, ये देखो ना ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो नॉट पी के आएगा फॉल्स या ट्रू, ठीक है। और नॉट नॉट पी यानी कि इसका नॉट निकालो ट्रू या फॉल्स, तो ये सेम है, तो नॉट नॉट पी का जो नॉट निकालोगे पी ही बन जाएगा। और अगर आपके पास नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू का मतलब क्या होगा, इज इक्वलेंट टू फॉल्स, एंड नॉट फॉल्स का मतलब क्या है, इक्वलेंट टू ट्रू, ठीक है। नॉट फॉल्स का मतलब है ट्रू एंड नॉट ट्रू का मतलब है फॉल्स, ठीक है, लग गया पता, ओके। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें डी मॉर्गन्स लॉ कैसे लगाते हैं, इन प्रॉपर्टीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने सेट ढंग से किया है तो इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बाकी हम विद द यूज ऑफ ट्रुथ टेबल ही कर रहे हैं यहाँ पर, जो भी हम आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ क्या बोलता है, अगर आपके पास पी और क्यू दिया है, ध्यान रखो जैसे बोलता था पी यूनियन क्यू, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आता था, पी कॉम्प्लीमेंट यहां पर इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट हो जाता था, ठीक है, उल्टा हो जाता था। यू का मतलब है वी, यूनियन का मतलब, इंटरसेक्शन का मतलब है एंड, ठीक है। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट की जगह हम क्या लगाते हैं, नॉट, ठीक है। तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, नॉट पी कॉम्प्लीमेंट, तो यहां पर नॉट पी, ठीक है, यूनियन था तो यहां क्या हो जाएगा, एंड नॉट क्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगा। सेम इसी तरह से यूज कर रहे हैं हम, ठीक है, ओके। सिमिलरली नॉट पी एंड क्यू है तो ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा आपके पास, नॉट पी और नॉट क्यू के इक्विवेलेंट हो जाएगा, लग गया पता, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट आपके पास एब्जॉर्प्शन लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या है, बोलते हैं अगर पी यूनियन पी इंटरसेक्शन अगर आप क्यू निकालोगे तो वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, पी के इक्विवेलेंट आएगा। और अगर पी एंड पी और क्यू निकालोगे तो वो किसके इक्विवेलेंट आएगा, वो भी पी के इक्विवेलेंट ही आएगा, ठीक है। देखो ट्रूथ टेबल बना के देख लेते हैं, पी एंड क्यू चेक करना ना, तो देखो ये ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, यही बनेगा। तो यहां क्या आ जाएगा, आपको क्या निकालना है, सबसे पहले पी एंड क्यू निकालना पड़ेगा। देखो पी एंड क्यू दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, एक भी फॉल्स है तो वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब आपको क्या निकालना है, P एंड Q की P के साथ और निकालना है, तो देखो क्या आ जाएगा, एक भी ट्रू है यानी कि इन दोनों में एक भी ट्रू है तो ट्रू होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू होगा, फॉल्स 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 होगा, फॉल्स 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 आएगा, ठीक है। और ये चीज बन के रही है, ध्यान से देखो तो ये P बन रहा है और वही तो लिखा है, ठीक है। इसके लिए आप ट्राई करोगे, हाँ जो एक एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है।
कि उसमें ट्रुथ टेबल कितनी हेल्प करता है स्टेटमेंट को लिखने के लिए। ठीक है, जैसे आपके पास एग्जांपल है कि आपने नेगेशन लिखनी है, किसकी? आपके पास कोई इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट दी है, क्या लिखना है? नेगेशन ऑफ इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट। आपके पास कोई इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट दी है, इसकी आपने क्या करनी है? नेगेशन लिखनी है। ठीक है, तो देखो इम्प्लीकेशन स्टेटमेंट क्या है आपके पास, कि बोलते हैं, ठीक है, फाइंड द नेगेशन ऑफ इफ टुडे इज संडे, इफ टुडे इज संडे देन इट इज अ हॉलीडे। ठीक है, इफ टुडे इज संडे देन इट इज अ होली डे। ठीक है, इस स्टेटमेंट की हम नेगेशन स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रुथ टेबल। देखो मैं इसको दो स्टेटमेंट में ब्रेक कर रहा हूं, एक पी कि टुडे इज संडे और सेकंड इज क्यू इट इज अ होली डे। ठीक है, अब देखो इफ देन है, यानी कि पी एरो क्यू स्टेटमेंट है। ठीक है, जो कि किसके इक्विवेलेंट थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है, पहले भी बता चुका, नॉट पी और क्यू के इक्विवेलेंट है। ठीक है, और आपको क्या लिखना है, इसकी नेगेशन, यानी कि पी इफ पी देन क्यू, इसकी नेगेशन लिखनी है, टेकिंग नेगेशन ऑन बोथ साइड, तो किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा? नेगेशन ऑफ नेगेशन पी और क्यू, तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया? नेगेशन से किया तो नेगेशन ऑफ नेगेशन पी ये आ गया और नेगेशन ऑफ क्यू आ गया। ठीक है, ओके, तो पी पी को ऐसे ही लिख दो। ठीक है, पी में क्या आ जाएगा? पी क्या आ जाएगा आपके पास? इट इज संडे एंड नॉट क्यू, नॉट क्यू इज, इट इज नॉट अ हॉलीडे। ठीक है, नॉट क्यू इट इज अ हॉलीडे, नॉट क्यू क्या हो जाएगा यहां से? नॉट क्यू क्या बन जाएगा? इट इज नॉट अ होली डे। ठीक है, तो क्या जाएगा, क्या स्टेटमेंट बन जाएगी नेगेशन? इट इज अ संडे, इट इज अ संडे एंड इट इज नॉट अ होली डे, तो ये इसकी नेगेशन स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, आज हम कुछ एग्जांपल करते हैं ट्रुथ टेबल के। ठीक है, कि ट्रुथ टेबल हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करना। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन सेंड कर दूंगा। देखो मैं आपको ये एक दो एग्जांपल करके बता देता हूं, कि आपको बोलते हैं कि आपने कंस्ट्रक्ट करना है ट्रुथ टेबल, इसके लिए, इसके लिए पी एरो क्यू इंप्लीकेशन है। ठीक है, एंड या तो ऐसे लिखा होगा, ठीक है, इसका मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है एंड, तो ये आपके पास ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, इसके लिए आपने ट्रुथ टेबल बनाना है। तो ट्रुथ टेबल बनाना, तो पहले क्या आएगा? पी, और दूसरा क्या जाएगा? वैल्यू क्यू, ऐसे ही आएगा। ठीक है, और पी और क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास? फिक्स है, यानी कि ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स, ऐसे ही है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? सबसे पहले पी एंड क्यू निकालना पड़ेगा यहां पर। ठीक है, क्या निकालना पड़ेगा? पी एंड क्यू। देखो पी एंड क्यू क्या आएगा? पी एंड क्यू दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये ट्रू, ये फॉल्स और ये फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको निकालना है नॉट पी एंड क्यू, तो इसका नॉट, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। फिर आपको निकालना है इंप्लीकेशन स्टेटमेंट में यहां पर पी एरो नॉट पी एंड क्यू, ये नॉट कहाँ है? बाहर है, यानी कि पहले का और इसका। ठीक है, आप देखो
मैंने आपको बताया था इसके लिए कि P और Q है, ठीक है, तो P एरो Q क्या आएगा? ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स। तो क्या बताया था? दोनों ट्रू है, ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। पहला ट्रू है कि एग्जाम्पल अगर कोई गाड़ी 100 किलोमीटर पर आके स्पीड से ज्यादा चल रही है तो उसे फाइन नहीं पड़ेगा, तो ये तो फॉल्स आएगा, उसको फाइन तो पड़ेगा पड़ेगा। फॉल्स ट्रू क्या आएगा? ट्रू एंड फॉल्स फॉल्स क्या आएगा? ट्रू, यही था, ठीक है। तो देखो क्या बन जाएगा, ट्रू फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, ये भी ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, ये भी ट्रू, ठीक है, ओके। तो ये इसका ट्रूथ टेबल बन जाएगा। तो आपको एग्जाम में आता है कि इसके लिए ट्रूथ टेबल बनाओ, तो इस तरह से आप ट्रूथ टेबल बनाओगे, ठीक है। आपको होमवर्क देते हैं, ये आप बनाओगे, एंड पी और क्यू के लिए ट्रूथ टेबल, और सेकंड है कि ये नॉट है, नॉट पी और क्यू के लिए, और नॉट पी, ठीक है, एंड नॉट क्यू के लिए भी आप बनाओगे, ठीक है। फिर नॉट पी और नॉट क्यू के लिए बनाओगे, फिर आप बनाओगे क्यू, इम्प्लीकेशन किसके साथ आ जाएगी? नॉट पी एंड क्यू के लिए, ठीक है। फिर निकालो पी इम्प्लीकेशन एंड पी और क्यू के लिए। तो ये आपने ट्रुथ टेबल आपने बनाने, ठीक है। तो ये था आपके पास ट्रुथ टेबल के लिए, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओके, ठीक है।